अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ लेके आई हूँ मीशो से, मैंने जितने भी होम डेकोर से रिलेटेड चीज़ें परचेज करी हैं अपने नए घर के लिए, उसकी पूरी शॉपिंग हॉल मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। 10 से 12 आइटम्स हैं, तो चलिए एक एक करके अनबॉक्सिंग करते हैं। वैसे मैंने कुछ तो खोल लिए थे, लेकिन कुछ मैं आपके सामने ही अनबॉक्स करने वाली हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो प्रोडक्ट है वो है ये, तो जो भी ये जो आया है ना, ये मतलब सबसे मेरा फेवरेट है, मतलब सबसे अच्छा, उम्मीद से भी बहुत ज़्यादा अच्छा। इवन साइज़ भी मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने ह्यूज साइज़ में ही आएगा। अभी मैंने इसको ओपन भी नहीं करा है। इसके साथ मुझे ये इसको हैंग करने के लिए ये दो नेल्स मिले हैं, मैं इनको हैंग कर सकती हूँ। मैं ओपन करके दिखाती हूँ ये क्या है। इनके जो प्राइसेस हैं और जो भी बाकी डिटेल है वो मैं आपको स्क्रीनशॉट मेंशन कर दूंगी। तो ये देख सकते हैं, ये कुछ ऐसा है। इवन जो इमेज दे रखी थी, लग नहीं रहा था कि ये उस साइज का रिसीव होगा, बट ये काफी ज्यादा प्रिटी लग रहा है। इसे आप कहीं पे भी हैंग कर सकते हैं, वॉल पे या फिर डोर के सेंटर में, किचन में भी काफ़ी अच्छा लगेगा। साइज़ भी काफ़ी अच्छा है, इसमें बहुत सारी चॉइसेस हैं कलर की और भी बहुत सी चीज़ों की। आप अपनी चॉइस के हिसाब से कलर और डिज़ाइन जो है, पैटर्न जितने भी हैं वो देख सकते हैं। तो मुझे ये ब्लू और योर और येलो में चाहिए था, तो मैंने ये ऑर्डर करा, बल्कि मुझे इतना अच्छा लगा, हो सकता है मैं एक दो और मंगाऊँ। बट फिलहाल पहले इसकी जगह बनाते हैं कि इसको हम कहाँ लगाने वाले हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। सेकेंड भी हमारा डेकोर से, आज जितनी भी चीज़ दिखाने वाली हूँ सारी की सारी हमारी होम डेकोर से रिलेटेड ही हैं। तो ये कुछ मुझे बोर्ड की तरह रिसीव हुआ है, इसे मैंने अभी ओपन नहीं करा है। देखने से समझ में आ रहा था कि क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, बट मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। तो ये चार के पीसेस में हैं, इसके ना पीछे ये डबल टेप लगी हुई है। आप बस आप इसको बस टेप निकालिए और कहीं पे भी इसे चिपका सकते हैं। और अगर मान लो कभी इसकी प्लेस भी चेंज करनी, तो डबल टेप तो आप अलग से भी लेके लगा सकते हैं, तो यानी ये काफ़ी लंबे समय तक चलने वाली चीज़ है। हाँ, मुझे थोड़ा सा लगा था कि साइज इससे बड़ा आएगा, बट क्योंकि क्वालिटी इतनी अच्छी है, कलर इतने अच्छे हैं कि मैं इसे रखने वाली हूँ। चार में है ऑरेंज, ब्लू, पिंक एंड येलो, काफ़ी अच्छे अच्छे इसमें कोट्स लिखे हुए हैं। इसे आप किचन पे या फिर कहीं पे भी लगा सकते हैं, मुझे काफ़ी पसंद आया। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा ये 6 पीसेस वाला वुडन का हैंगिंग डेकोर। सारी चीज़ें आज जो भी हैं वो वुडन में ही हैं, ये आप देख सकते हैं। मैं इमेज और प्राइस वगैरह सारी स्क्रीन पे लगा दूंगी। 6 कलर हैं इसमें, इसमें बहुत सारी वैरायटी हैं, बहुत सारे कलर्स हैं। आप अपनी चॉइस के हिसाब से जो भी डिज़ाइन या फिर कलर या कुछ भी चूज़ करना चाह सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। होम, लव, ब्लेस्ड, ड्रीम, हैप्पीनेस, लव, मुझे काफ़ी पसंद आया। मतलब इतनी सारी ऑप्शंस में मुझे बस एक नज़र में यही देखते पसंद आ गया था, और क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। बल्कि इसके प्राइसेस जो हैं वो अभी और भी ज़्यादा ड्रॉप हो चुके हैं, मैंने जितने परचेज किया था 100 रुपये और भी कम हो चुके हैं। तो अगर आपको कभी मतलब कम में लेना हो, तो आपको इसको कार्ट में डालना पड़ेगा, और जैसे ही प्राइस कम हो जाए आप इसे परचेज कर लीजिएगा। देखते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा ये, मुझे मैंने 2 प्लांटर्स मंगाए हैं, ये फेक प्लांट्स हैं। ये 2 के सेट में मुझे रिसीव हुआ है, छोटू छोटू से, बहुत क्यूट है, देख सकते हैं, कलरफुल। आप इन्हें कहीं पे भी रख सकते हैं, मतलब काफ़ी छोटे हैं और कहीं पे भी बहुत ज़्यादा क्यूट लगेंगे। साइज़ इनका आप देख सकते हैं मेरे हाथ में पकड़े हुए हैं, तो अगर आपको इससे बड़े मंगाने हैं तो आपको कंपेयर ही करना पड़ेगा। बट मुझे कोई साइज़ से प्रॉब्लम नहीं है, मैं पहले भी इनके साथ के मंगा चुकी हूँ, इसलिए मैंने इन्हें दोबारा ऑर्डर करा था। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो भी फेक प्लांट्स ही हैं। मैंने अभी कोई भी रियल प्लांट्स जो है नए घर के लिए नहीं परचेज किया है, वहाँ जाके पहले मैं उस माहौल में एडजस्ट होंगी, मुझे काफ़ी टाइम तो सारी सेटिंग करने में लग जाएगा, इसलिए मैंने सिर्फ घर की सुंदरता बढ़ाने के लिए अभी जितने भी खरीदे हैं वो फेक प्लांट्स खरीदे हैं।
वैसे भी मैं घर पे इंडोर प्लांट्स नहीं रखने वाली हूँ, घर पे बच्चा है और रिस्क रहता है कहीं वो अपने ऊपर गिरा ना ले, मतलब मैं हर जगह नहीं रख सकती, इसलिए मैंने जितने भी हैं ये वॉल हैंगिंग्स वाले फेक प्लांट्स ही मंगाए हैं। जितने भी रियल प्लांट्स होंगे वो मैं घर के बाहर ही कहीं पे ऊंचाई पे ही रखूंगी ताकि बच्चे के पहुँच से दूर हो। ये जो है ये 6 के पीसेस में हैं, एक्चुअली इनकी पैकिंग लेकिन बहुत ज़्यादा डिजास्टरस आती है, पता नहीं क्यों ये लोग ऐसे पैक करके भेजते हैं। ये 6 का सेट है, ये देख सकते हैं बहुत प्यारे प्यारे कलर्स हैं। सॉरी 5 का सेट है, इसी तरह के ये 2 हैं, इस तरह में 2 आए हैं, 5 का सेट है। तो इसे आप कहीं पे भी रख सकते हैं, घर की शोभा ही बढ़ाने वाला है। करते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। नेक्स्ट भी हैंगिंग में डेकोर का की ये आइटम है वुडन में, जिसमें आप देख सकते हैं क्वालिटी इसकी भी बहुत अच्छी आई है। मैंने ये जितने भी डेकोर के आइटम परचेज़ किए हैं उन सब में क्वालिटी काफ़ी अच्छी आई है, एक भी मैंने रिटर्न नहीं किया है और जैसे मैंने एक्सपेक्ट करा था सब वैसे के वैसे ही रिसीव हुए हैं। इसे आपको थोड़ा अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करना पड़ेगा, मतलब ये जो है एडजस्टेबल है ऐसे करके, तो बराबर से ये देखिए ये बराबर बैठ गया, तो ये बहुत प्यारा लगेगा घर। इसे आप कहीं पे भी वॉल पे हैंग कर सकते हैं। इसके साथ मुझे कुछ भी मिला नहीं है, मतलब मुझे खुद ही कुछ नेल वगैरह खरीद के या कुछ भी खरीद के इसको अटैच कराना पड़ेगा। कुछ कुछ डेकोर के साथ मुझे मिला है उनके साथ कि मैं उन्हें वॉल पे अटैच कर सकूँ, कुछ के साथ मुझे नहीं मिला है, बट फ़र्क नहीं पड़ता बिकॉज एट लास्ट जो चीज़ प्रोडक्ट आई है वो एक्सपेक्टेशंस पे खरी उतर रही है। कई बार तो इतना ज़्यादा मूड ऑफ होता है कि आप इतने दिन से वेट कर रहे हो कि जो चीज़ आएगी वो ऐसी होगी और वो अगर बेकार आती है तो बहुत ज़्यादा मूड ऑफ होता है, जो उसे रिटर्न करो। तो इस बार लेकिन मैं पहली बार लकी निकली हूँ कि एक भी प्रोडक्ट मुझे रिटर्न नहीं करना पड़ा। ये किचन से रिलेटेड मैंने जितने भी मंगाए थे हर दिन मैं रिटर्न कर रही थी, एक दो प्रोडक्ट तो घटिया आ ही रहा था। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो भी है डेकोर से रिलेटेड, ये आपने देखा होगा काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और बहुत प्रिटी लगता है, बहुत सारे वेरियस डिज़ाइंस पैटर्न्स आपको मिलेंगे। मुझे यही वाला पसंद था जो फर्स्ट ही दे रखा था, देखते ही मैंने इसे ऑर्डर कर दिया था, बहुत प्यारा लग रहा है और ये बहुत अच्छा लगेगा घर पे लगे हुआ लगा हुआ, ड्राइंग रूम में, लिविंग रूम में, बेडरूम में, ये हर जगह आप इसे कहीं पे भी अपनी चॉइस के हिसाब से इसे लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो आइटम है वो ये वुडन में वॉल डेकोर, ये शेल्फ हैं, मैं दिखा दूंगी आपको कि ये कैसे लगने वाले हैं, अभी तो मैं समझा नहीं पाऊंगी। क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी हैवी मटेरियल है और स्मूथ फिनिशिंग है, बहुत अच्छी फिनिशिंग में आया है, कलर भी एकदम जैसे मैंने था देखा था डिट्टो वैसा ही आया है। इसमें भी काफ़ी कलर है, ब्लैक, ब्राउन, वाइट, और ये मैंने थोड़ा सा ब्राउन में ही मंगाया है, इससे भी डार्क में और चॉकलेटी कलर में काफ़ी इसमें कलर ऑप्शंस हैं, लेकिन ये है कि कलर आप जितना भी ज़्यादा बेहतर लेंगे मतलब और भी ज़्यादा तो वो थोड़ा सा कॉस्टली हो जाएगा, ये सबसे मतलब इन कलर्स की वजह से ये सबसे थोड़ा सस्ता था तो मैंने यही मंगाया। और वैसे भी मेरे घर पर सारी चीज़ें जो हैं वो इसी थीम की हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने इसी को ही मंगा लिया, क्वालिटी बहुत अच्छी है तो आप भी चाहे इसे परचेज़ कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट जो मैंने मंगाया है वो ये प्यारा सा होम डेकोर में हैंगिंग, कलर देखिए कितने ज़्यादा प्यारे हैं और साइज़ भी एकदम ही अप्रोप्रिएट आया है जैसे कि मेंशन था, क्वालिटी कलर सब बहुत ज़्यादा अच्छा आया है, आप भी इसे परचेज़ कर सकते हैं अगर आप अपने घर को एक प्यारा सा कलरफुल लुक देना चाहते हैं। इसमें काफ़ी साइजेस और वैरायटी भी हैं, जैसे ये छोटे छोटे जो लगे हुए हैं इनके बिना भी सिंगल भी मिलता है, तो आप अगर छोटा गाड़ी के लिए लेना चाहते हैं, कार में भी ये लगाने के लिए होता है, तो आप ये छोटा वाला भी अलग से परचेज कर सकते हैं, उसकी प्राइसिंग और भी ज़्यादा कम होगी, तो इसको भी मैं पूरे 5 स्टार ही देने वाली। प्रोडक्ट है वो है ये वॉल फ्रेम्स, अभी मैंने इनको अनपैक नहीं किया था, आप ही के सामने इनको पैक खोलने वाली हूँ मैं। कलर तो देखने में ही समझ में आ रहा है कि जैसा दिखाया गया था वैसा का वैसा ही है, इनमें भी काफ़ी ज़्यादा कलर की वैरायटीज़ और कोट्स की वैरायटीज़ है, लेकिन मुझे यही पसंद आया था और काफ़ी समय से मैंने इसे कार्ट में रखा हुआ है और जैसे थोड़े बहुत प्राइसेस जो है वो कम हुए
मैंने इसे फटाफट ऑर्डर कर दिया। ये देख सकते हैं आप, ये वुडन में है, यहाँ पे ना ग्लास नहीं लगा हुआ, विदाउट ग्लास है। क्वालिटी, स्मूथनिंग, फिनिशिंग बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा प्रिटी भी लग रहे हैं। इनके पीछे ऐसे आपको ये दिया हुआ है और आपको इसे हैंग करना है। मैं इसे भी पूरे 5 स्टार देने वाली हूँ, बहुत प्रिटी आया है। वुडन का ये हैंगिंग शेल्फ है, टोटल इसमें 8 पीसेस दे रखे हैं, 2-2 के पेयर में हैं, 1 स्टार दिया हुआ और 1 ये। मैं आपको दिखाती हूँ, 4 ही स्टार दे रखे हैं और 4 ही ऐसे पीसेस दे रखे हैं, इनको जॉइंट करके एक पूरी शेप बनेगी। इनको जॉइंट करके ये पूरी शेप बनेगी। और यहाँ पे आप नेल्स लगा के इसे हैंग कर सकते हैं। हाँ, इसके साथ मुझे कोई भी नेल वगैरह नहीं दे रखा है, खुद से ही हैंग कराना पड़ेगा। और बहुत प्रिटी लगने वाला है। इन्हीं पे रखने के लिए ही मैंने थोड़े जो व्हाइट वाले फ्लावर्स मंगाए थे ना, फ्लावर पॉट्स, जो भी फेक प्लांट्स मंगाए हैं, वो इसी पे रखने के लिए ही मंगाए हैं, क्योंकि ये खुद डार्क कलर का है और इस पे व्हाइट कलर के जो पॉट्स हैं वही बहुत अच्छे लगने वाले हैं। क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और एकदम ही स्मूथ फिनिशिंग है इसकी। इसे भी पूरे 5 स्टार मिलेंगे। प्रोडक्ट है वो भी है, ये भी जो इससे पहले मैंने दिखाए थे आपको वॉल फ्रेम्स, ये उसी से रिलेटेड है, बट इसमें थोड़े मोटिवेशन वाले कोट्स दे रखे हैं। ये मैं जो जिम एरिया होगा जहाँ पे ट्रेडमिल रखा होगा उसी के सामने लगाने वाली, ताकि थोड़ा सा मोटिवेशन मिले वर्क हार्ड टाइप का। क्वालिटी भी इसकी काफ़ी अच्छी है, उसी को देख के ही मैंने ये मंगाया था। ये ब्लैक फ्रेम है इसमें और जो ये कोट्स हैं ये सारे मोटिवेशन से रिलेटेड हैं। इसमें भी आपको बहुत सारे कलर्स, बहुत सारी वेराइटीज़ मिल जाने वाली हैं। प्राइसिंग भी थोड़ी ऊपर नीचे होती रहती है, समय समय पे आप जब चाहें इसे परचेज कर सकते हो और मैं इसे भी पूरे 5 स्टार देने वाली। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये भी वॉल डेकोर का ही सामान है, वुडन में है। इसमें आपको 11 पीसेस ऐसे मिलेंगे, हर साइज़ में है ये। अभी मैंने इसे ओपन नहीं करा था, वुडन में है और डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में कुछ कुछ लिखा हुआ है। सबसे बिगर साइज़ ये है, उसके बाद 11 पीसेस हैं। इससे भी छोटे छोटे पीसेस हैं जो कि अंदर दे रखे हैं, काफ़ी अच्छी पैकिंग में आया है। मैंने इसे अभी ओपन नहीं करा और इसके पीछे, इन सबके पीछे ऐसे डबल टेप दे रखी है, तो बस आपको इसे यहाँ से हटाना है और वॉल पे ये सीधा स्टिक हो जाएंगे। और अगर मान लो कभी इसकी ग्लू चली भी गई तो आप अलग से डबल टेप लगा सकते हैं, तो लाइफ भी इनके काफ़ी अच्छी रहने वाली है। और इन्हें भी मैं पूरे नंबर ही देने वाली हूँ। जितना भी होम डेकोर का सामान आया है वो सब एक से बढ़ के एक आया है, मुझे सभी बहुत पसंद आए हैं। बस 1-2 में जो है वो नेल्स वगैरह कुछ भी नहीं मिले हैं, हैंगिंग करने का किसी भी तरीके का कुछ भी मटेरियल नहीं आया है, लेकिन क्वालिटी वाइज इस बार मुझे मीशो ने बिल्कुल भी निराश नहीं किया है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरे चैनल पर नए हो तो ऐसी ही वीडियो इन्फॉर्मेटिव आप चाहते हो तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। और मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं ऐसे ही आपके लिए मस्त मस्त सी वीडियो लेके आती रहूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।